हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे अध्याय 2 बहुपद, क्लास 10th का जो है इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें मैं बहुपद जो आपका प्रश्न बैंक आया है उसको हल करेंगे अपन इसमें, ठीक है। तो पूरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं यहाँ पर साथ साथ हल कराऊंगा, और जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका मैं आपको इन सब वीडियो के पार्ट खत्म होने के बाद एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा जिसको आप पूरा देख सकते हैं, ओके। और इनके सभी सॉल्यूशंस भी बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये पहला वाला जो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपको वाकई में पढ़ना चाहिए। इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव बैठ सकते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद का उदाहरण बताना है तो आप इस तरीके से उदाहरण बता देते हैं, ठीक है। दो घात दो वाले बहुपद को क्या बोलते थे, द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा, इनको केवल रीडिंग करना है, आप रीडिंग करिएगा। आपको एक प्रश्न बैंक कैसे हल करना है, कैसे इसको देखना है, उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से पूरा दे रखा है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, आप आराम से इस बहुपद को केवल समझने के लिए आपको दे रखा है तो आप समझ सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसी प्रकार के जो पेज दे रखे हैं, इधर हमारे पास एक पेज है, इसमें भी इसी प्रकार के किस तरीके से एक रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक रेखा होती है, और अगर एक घात से ज्यादा हो जाए, द्विघात हो जाए या त्रिघात हो जाए, तो उसका एक ग्राफ इस तरीके से कर्व होता है। अब जैसे इसके कितने शून्य के दिए, एक अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, दो जगह काट रहे थे आपके इसके दो शून्य के, या अपन यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए इसके दो शून्य के, इसके भी कितने शून्य के, दो शून्य के। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 में है, आप पूरा अच्छे तरीके से देख चुके होंगे, आपने किया होगा तो, ओके। तो इनको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन है उन्हीं को अपन हल करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और अपन आराम से यहाँ पर कर पाएंगे। 1, 2, 3 इसके शून्य के, ये सब बेसिक्स आपको पता है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में पूछे गए हैं, ओके। यहाँ से सबसे पहला है, वाई बराबर 3x + 4 का ग्राफ खींचिए। आपने क्लास 9th में इस तरीके के ग्राफ खींचे हैं, और क्लास 10th में भी अगर आप देखें तो हमारा जो कौन सा हमारा जो प्रश्नावली इससे 3.1 जो आएगा उसमें इस प्रकार की सरल रेखाओं के ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं, इस तरीके से डब्बा बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें अगर यहां पर एक घाती हो तो केवल आपको दो मान रख देने, एक इधर एक्स और इधर वाई लिख देना है। एक्स की जगह पर मन से कुछ भी रखिए, देखिए एक्स की जगह मैंने अगर 0 रखा, आपको हल करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की जगह अगर आपने 0 रखा तो 3 × 0 = 0, तो वाई का मान आ जाएगा 4, ओके। तो 0.4 हमारे पास एक बिंदु हो गया, और दूसरा हमने x की जगह रख दिया 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, देखिए 3 × 3 = 4 = 7 हो जाएगा, तो एक और बिंदु हमारे पास हो जाएगा 1.7। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों बिंदुओं को अपने x अक्ष y अक्ष पर दर्शाना है और लाइन खींच देनी जिस भी तरीके से जाए, ओके। तो आशा करता हूं ये आप कर लेंगे, ओके। और नहीं आए तो प्लीज पूछिएगा, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट x² - 16 के, ये जो भी लिख रखा है शून्य के, शून्य का ज्ञात कीजिए। x² - 16 के क्या बोला है, शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हैं, x² - 16 को आप लिख दीजिए x² - 4² चलिए मैं इसको पूरा हल करके ही बता ही देता हूँ, तो आपका थोड़ा आसानी रहेगा, ओके। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x² यहाँ पर पूछा गया है, x² - 16 के शून्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज आप पूरा लिखिएगा, x² - 16 के शून्य ज्ञात करने के लिए, या एक माना कि एक बहुपद है px = x² - 16। अब देखिए x² - 16 को अपन लिख सकते हैं 4² लिख सकते हैं ना, बस करते रहिए। अब a² - b² का फार्मूला आप यहाँ पर कोष्टक में फार्मूला लिख दीजिएगा, a - b a + b, या a + b a - b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बस a + b a - b। ये हमारे पास क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए यहां पर लिख देना है, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बराबर में क्या रख देना है, 0, x + 4 = 0, या x - 4 = 0। तो इधर आ जाएगा x = -4, या x = इधर माइनस का 4 इधर जाएगा तो +4। अतः एक शून्य, अतः बहुपद के शून्य -4.4 होंगे। बस इसमें सत्यता की जांच नहीं करनी जो आपकी किताब में पूछा गया, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें जो दे रखा है ग्रह कार्य, सभी प्रश्न करना है आपको, इन पर नहीं जाना है कि ग्रह कार्य क्या है, कक्षा कार्य क्या है, पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है, आपको बस यहां पर ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, ओके। तो सॉरी, कक्षा कार्य में अपन देखते हैं, इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ भी मैंने ऊपर बताया, उसी तरीके से एक्स का मान अपने मन से रखिए, वाई का मान आ जाएगा, एक्स का मान अपने मन से रखिए, वाई का मान, इसमें एक बार एक्स 0 रख दीजिए, एक बार वाई 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये दे रखा है, इसमें बोला है कि इसका एक शून्यक 5 है, तो k का मान शून्यक 5 है, मतलब x की जगह 5 रख दीजिए और बराबर में 0। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x की जगह क्या रख दिया, 5 - 3k = 0, ओके। अगर आप पूरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आप थोड़ा इंटरेस्टेड है,
पढ़ने में और आपको सॉल्यूशन पूरा चाहिए, इसलिए मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो जो कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि देखिए शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक पाँच है, शून्यक पाँच मतलब एक्स का मान पाँच है और शून्यक है इसलिए बराबर में शून्य रख देते हैं। बस यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये पाँच दूनी दस उधर जाएगा तो माइनस का दस, तो के बराबर देखिए क्या आएगा अगले स्टेप में, ये दस उधर चला गया तो माइनस का दस और ये माइनस का तीन बटे में आ जाएगा अगले स्टेप में, तो ये कट जाएगा तो के का मान आ जाएगा दस बटा तीन। ओके, आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अपन, ग्रह कार्य, किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो आपको पता है दो शून्य हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, ये आपकी पूरा किताब का सोल्यूशन दे रखा है, किताब के छः प्रश्न है आपने पहले कर लिए होंगे। ओके, ये गतिविधि है, इनको ज़रूर पूरा लिखिएगा, इनको पूरा लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके शून्य क्या है ये सभी पूरा बेसिक तरीका है, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। ओके, ये सभी केवल ऑब्जेक्टिव है तो आपको अच्छे से देख लेना है इनको। आगे बढ़ते अपन, इसमें कुछ क्वेश्चंस और इधर हैं, इधर क्वेश्चन नहीं है, इधर उदाहरण दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात करने ये अपन पहले कर चुके हैं, या आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा किस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन निकाल रखे हैं, और लास्ट में इनको अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके दो शून्य दे रखे हैं, तो आपको इस तरीके से हल कर लेना, अल्फा धन बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, ये होता है, और आपको यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली सी बटा ए और बी बटा ए करके आपको सॉल्यूशन लिख देना है। ओके, ये तुलना करने पर ए बी सी का मान, और हमने किताब में कर रखा है इसे क्वेश्चन। ओके, टी स्क्वेयर माइनस पंद्रह, ये हमारी किताब का उदाहरण है, तो आपने आशा करता हूँ ये कर लेंगे आप। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है, वन, और गुणनफल भी कितना है, वन है, तो आपको ऊपर किया है उसी तरीके से माइनस बी बटा ए बराबर वन, सी बटा ए बराबर वन, और बी का मान आ जाएगा माइनस वन, ए का मान आ जाएगा वन, और सी का मान भी आ जाएगा वन अगर आप तुलना करेंगे, तो फिर इसको अगर आप हल करेंगे तो वन का एक्स स्क्वेयर माइनस बी का एक्स आ जाएगा और धन वन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। कक्षा कार्य, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, एक गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर सकते हैं, चार एकम चार, गुणा करें तो चार और जोड़े तो भी चार, तो इस चार को दो धन दो लिख देंगे और शून्य ज्ञात कर लेंगे। एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य का दे रखें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शून्य का दे रखें, शून्य को योगफल नहीं दे रखा, तो योगफल में आप लिखेंगे तीन धन चार सात बटा एक, और गुणनफल में लिखेंगे बारह बटा एक। ओके, तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके शून्य ज्ञात करने, ये किताब का प्रश्न है, आपको इनमें से क्या कर देना है, चार एक्स कॉमन निकल जाएगा और हल हो जाएगा। ये भी हमारे पास किताब का प्रश्न है, एज इट इज, इस पर बी का माना जाएगा माइनस सॉरी वन, ए का माना जाएगा फोर और सी का माना जाएगा वन। ओके, स्मरणीय बिंदु, ये तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बैठेंगे, पक्की बात है, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव बैठेंगे, और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से जरूर बनेगा तीन शून्य वाली कंडीशन का, तो इसको भी जरूर देखिएगा अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये तीनों अल्फा धन बीटा, शून्यकों का योग तो वही होता है माइनस का बी बटा है, लेकिन शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए होता है, और सी बटा ए क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले में माइनस लगता है आखिरी में माइनस लगता है, इनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा ये कार्यपत्रक दे रखे, इसके कुछ सही विकल्प हैं जो आपको हल कर लेने हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स के शून्य क्या है, इसके बराबर में अगर आप जीरो रखेंगे तो एक्स का मान एक तो जीरो आएगा और एक क्या पास आएगा टू, तो इसका शून्य हो जाएगा जीरो को मटू। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो ये बहुपद है, क्योंकि इधर एक्स रूट में आ रहा है, इधर भी एक्स रूट में आ रहा है, और इधर एक्स बटे में आ रहा है। हमको पता है बहुपद की खासियत ये होती है कि उसकी घात जो है पूर्णांक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वेयर देन बी एक्स के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस का बी बटा है। नेक्स्ट, एक बहुपद दे रखा है शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा है। द्विघात बहुपद की घात दो होती है, दो बहुपदों का योग भी, दो बहुपदों का योग भी एक बहुपद ही होता है। ओके, अगर आप दो बहुपद को जोड़ेंगे तो भी बहुपद ही तो प्राप्त होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये आपके पास अपने पहले प्रमेय पढ़ी थी, या यूक्लिड ज्योमेट्री से भी यही आता है। ठीक है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आठवीं में पढ़ा होगा। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है। एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वेयर धन बी एक्स धन सी के शून्यकों का योगफल होता है सी बटा, सॉरी शून्यकों का योगफल बोला इसलिए b बटा ए माइनस का, माइनस का b बटा है। ये माइनस यहाँ लगाओ या बीच में लगाओ एक ही बात है, कभी बाई चांस बटे में भी दे दे माइनस अकेला तो भी सही रहेगा। सत्य से आपको कर लेना है, चार एक्स के बहुपद पी एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बिल्कुल सत्य बात है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही तो घात कहलाती है। आगे बस समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसके और जो दे रखे क्या क्या क्वेश्चन दे रखे देख, मैं आपको पूरा हल बताया था, चिंता नहीं करें आप बिल्कुल। नेक्स्ट, एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के वाई निर्देशांक होते हैं जहां वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, एक्स अक्ष को अगर प्रतिच्छेद करेगा तो वाई तो शून्य होगा। ठीक है, एक बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के
वाई निर्देशांक होते हैं जहां शून्य कभी वाई निर्देशांक नहीं होते, क्योंकि यहां पर px की बात कर रहे थे, इसके x निर्देशांक चाहिए। ओके, तो ये एक असत्य बात है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते, बिल्कुल सत्य बात है, द्विघात बोला इसलिए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा है तो अल्फा धन बीटा माइनस बी बटा होता है, अल्फा अल्फा बीटा सी बटा होता है, ये गलत है और ये सही है। ओके, नेक्स्ट, एक वाक्य में होता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है। द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्य, यही सब आपको पता है, माइनस का बी बटा है, ये आ जाएगा सी बटा है, और तीन एक्स, और इसका शून्य क्या होता है तो ये सात इधर आ जाएगा, तो माइनस का सात और तीन बटे में आ जाएगा माइनस का सात बटा तीन। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे दो अंक वाले प्रश्न आपको पता है, द्विघात बहुपद याद कर जिसके शून्यकों का योग जीरो है और रूट पांच है, तो बी का मान यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ए का मान वन आ जाएगा, ए का मान वन आ जाएगा, सी का मान रूट पांच आ जाएगा, आपको लिख लेना है। जांच कीजिए कि इसके शून्य ये है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वन यहाँ पर रखना है। अगर आपने यहाँ पर वन रखा था, वन का स्क्वायर माइनस पांच एक्स धन दो, तो ये शून्य नहीं है इसके, क्योंकि वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर होगा वन माइनस पांच एकम पांच धन दो। अगर इन दो और एक तीन में से पांच गया तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर तीन में से पांच जाएगा तो माइनस दो, मतलब ये शून्य इसका नहीं है। आगे बात समझ में, ये इसका शून्य नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ओके, दिख तो रहा है आपको, थोड़ा सा लाइट है थोड़ा सा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, तो ये शून्य नहीं है। ओके, क्योंकि इसके शून्य रखने पर इसका मान नहीं आ रहा, माइनस दो रखेंगे शायद बैठ जाए, माइनस का दो रखने पर माइनस का यहाँ पर प्लस का चार आ जाएगा तो भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, आगे शून्य ज्ञात कीजिए, ये आपको पता है, पूरा कर चुके हैं कितनी बार आप। नेक्स्ट, सत्य असत्य, और ये आपको पूरा लगाना है, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप पूछिएगा, क्योंकि ये जो आया हमारे पास, ये जो टेस्ट है आपका, टेस्ट पेपर है, तो प्लीज ये जरूर लगाएं, और दोनों चैप्टर का टेस्ट पेपर है तो आप पूरा लगाइएगा, और कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।